तो मौसम में अचानक आए बदलाव की अब चार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में किस तरीके से बदला हुआ मौसम अपना असर दिखा रहा है। नर्मदापुरम, खंडवा, हरदा, टीकमगढ़ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां आप देख रहे होंगे। देखिए ये ओले जो पड़े हैं, ओलावृष्टि जो हुई है, उसके बाद हाथों में ओला दिखाते हुए लोग यहाँ पर, तेज बारिश हुई, उसके बाद जमकर ओले गिरे। चार अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन लगभग जो हाल है वो एक जैसा ही है। तेज बारिश और ओलावृष्टि, मौसम में अचानक हुए बदलाव के बाद ये स्थिति मध्य प्रदेश के इन चार शहरों। सतना, निवाड़ी, श्योपुर, दमोह में भी आप देख रहे हैं किस तरह तेज बारिश हुई है। दमोह में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ग्रामीण इलाकों में ओले गिरने की वजह से जो किसानों की खड़ी फसल है उसे काफी नुकसान पहुंचा है। श्योपुर में भी झमाझम बारिश के बाद ओले गिरे हैं, इसकी वजह से सरसों और चने की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। सर्दी का असर भी एक बार फिर से बढ़ गया है। दमोह में कई जगह पर मौसम ने करवट ली है और बड़ा असर देखने को मिल रहा है। तो श्योपुर, दमोह की तस्वीरें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह तेज बारिश और ओले गिरे हैं, और श्योपुर में सरसों और चने की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए तेज रफ्तार में खबरें। और जिला है और भोपाल लोकसभा की उन आठ विधानसभाओं में से एक विधानसभा भी है। गांव की घोषणा करी थी 2700 रूपए कुंतल की, इंजन हो रहे 2275 रूपए कुंतल। उज्ज्वला योजना दी, ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं कृषि से रिलेटिव हर षड्यंत्र को उपयोग फ्री में करा, अब क्या क्या चाहते हो? लाइन गाड़ दी, ये गाड़ दी, ये तो बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसान की कोई समस्या हल नहीं हुई है।